माँ ने बाप ने एलसीडी के चक्कर में मत पड़ा। अदिल आपके कहेंगे जो भी आप शेयर करना चाहो आपके लिए सभी ब्लॉग में ज़्यादा वक्त मिला मैं ज़्यादा भी वक्त में बिताया हूँ आपके साथ बहुत 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 अच्छे अदिल आप रखते हैं कहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड और बढ़ गई है क्योंकि पांडे रुक जा। मेरे डैड को मिस कर रही हूँ। डैड को गुजर के 7-8 साल हो गए और उसकी आखिरी इच्छा थी वो मराठी बिग बॉस में गई थी ना। मैं हमेशा हिंदी में जाती हूँ, हमेशा माँ ने कहा कि एक बार तू जा और मराठी बिग बॉस में जाके वापस आई तो मैं बॉलीवुड का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि सबने सब बड़े से छोटे से बड़े सारे कलाकारों ने फोन किया। फरा मैम सब लोग, राजीव सब लोग तो आए हमारे परिवार में, मेरी माँ को मिलने, मेरी पूरी फैमिली को मिलने, सब ने फोन किया, बहुत ही माँ को प्यार दिया। ऐसे भी मम्मी की तबीयत खराब थी तब से सभी ने थैंक यू शिल्पा मैम, फरा मैम, सलमान भाई, प्रियादत जी, जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी, मुझे माफ करना अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई, सोहेल भाई, शाहरुख जी, आपकी इतना अभी यहाँ पे आपकी फिल्म एकदम सुपरहिट जा रही है, उसमें से समय निकाल के भी आपने मुझे फोन किया, उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शाहरुख जी। एंड जितने भी सभी कलाकारों ने फोन किया, मेरे अभी दिमाग मनोस्थिति सही नहीं है इसलिए मैं सबका नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, बट मेरे पूरे बॉलीवुड का धन्यवाद। अदिल आप क्या कर रहे थे? अठावले साहब का फोन आया, बहुत सारे सारे मंत्रियों का, सबका फोन आया मेरी मम्मी के और इस दुनिया में राखी बहुत ज्यादा और इसका विटनेस में हर हमेशा जानता था, जब भी जानता था माँ जब बोल भी नहीं सकती थी राखी की आवाज से बोलती थी, जब प्ले करती थी तो बहुत ठीक फील करती थी। आज मैं सच कहूँ तो दिल से तहे दिल से खुश हूँ कि मेरी माँ संसार को छोड़ के चली गई एक हेवन में, एक अच्छी जगह जहाँ कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयाँ, कोई प्रेक, कोई दवाइयाँ, कोई भी दर्द नहीं होगा, सारे शारीरिक कष्टों से मुक्त हो गई। मम्मी और डैडी, आज मेरे मम्मी डैडी ऊपर मिले हैं। आई लव यू मॉम डैड, आई लव यू मॉम एंड डैड। गॉड को, खुदा को, परमेश्वर को, अल्लाह को हमारा सलाम कहना, माँ सलाम कहना, शुक्रिया।